फिल्म जुग जुग जियो के ट्रेलर लॉन्च के दौरान करण जौहर ने कई मुद्दों पर तोड़ी अपनी चुप्पी। बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री और नेपोटिज्म की विवाद के बीच करण ने खोले अपने दिल के राज। वरुण धवन को बताया अपना बेटा। आखिर क्या कहा है बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ने, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। इसके बारे में क्या कहूं मैं, लिटरली अगर मैं कहूं कि मेरे सामने बड़ा हुआ है एंड I have been like a proud principal parent, because when this student flew like literally flew with box office bonanzas back to back, it made my heart swell with pride. He is the most lovable person I know and the single most annoying as well. I mean literally, I think I speak to him more than I speak to my mother, Yash, Ruhi, and every member of Dharma Productions put together. My phone rings every 5 minutes with Varun Dhawan flashing. I get career advice from him. I get marketing advice from him. I get emotional advice from him. So he is not only my son, he's also my parent. Please put your hands together for our beta number one. वरुण धवन। वाह 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 वाह, दूल्हे राजा रेडी टू बजाओ बॉक्स ऑफिस के का बैंड एंड बाजा। Always. फिल्म जुग जुग जियो के ट्रेलर लॉन्च के दौरान करण जौहर ने साउथ वर्सेस बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर भी बयान दिया है। आखिर करण जौहर ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, आप खुद ही सुने। करण, आप जब भी बोलते हैं कुछ भी तो बहुत ही ध्यान से मैं सुनता हूँ, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं तो इंडस्ट्री का चलन भी बदलता है। जितना खूबसूरत आपकी फिल्म का ट्रेलर है, उतना ही खूबसूरत स्टेज भी है आज। तो आपने और कियाना ने जब बातचीत शुरू की तो एक बात जोर देकर कही कि हिंदी फिल्म ट्रेलर, हिंदी फिल्म, इस तरह की बातचीत की। तो ये जो हिंदी फिल्म पे जोर था, क्या ये बताने की ज़रूरत थी कि मतलब थोड़े दिनों से जो दूसरी फिल्में हैं साउथ की फिल्में वो अच्छा काम कर रही हैं तो हम भी अच्छा करेंगे, मतलब मैं इसको समझना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा तो नहीं, हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी सिनेमा का हिस्सा हैं। तो जब RRR और KGF और पुष्पा ने इतने कमाल धमाल का बिजनेस दिखाया है तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा है, इट इज़ इंडियन सिनेमा। एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल दोज फिल्म, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने एक्चुअली इंडियन सिनेमा का दर्जा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। प्रशांत नील साहब, राजामौली सर, सुकुमार and KGF, all that has just completely told us कि हमारा स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो सकता है और इतना हम आगे जा सकते हैं। जब हमने हिंदी को स्पेसिफाई किया तो इट इज़ रियली अ फंक्शन ऑफ टेक्निकलिटी, क्योंकि हम जो है कि हिंदी सिनेमा में अभी लास्ट हफ्ते गंगूबाई ने इतनी सॉलिड बिजनेस की थी, भूल भुलैया ने इतनी सॉलिड ओपनिंग ली है, और अब हमारी यही इच्छा है, आशा है कि जुग जुग जियो भी उसी लिस्ट का हिस्सा बन जाए। हम ये भी चाहते हैं कि हर भाषा की फिल्म चले और हमारी फिल्में भी चले, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एंटरटेन करते हैं तो वो चाहे कोई भी भाषा हो, तमिल हो या तेलुगु हो, मराठी हो। इसी अगर आपने नोटिस किया, पंजाबी सिनेमा ने इतनी बड़ी हिट दी है लास्ट वीक, फिर मराठी सिनेमा उसी हफ्ते ने भी इट डिड सो सुपर्बली। तो वी डोंट वॉन्ट एनी लैंग्वेज and it to be kind of compared to each other, but we just want to say that we are proud of Indian cinema, aur hum yahi chahte hain ki Hindustani cinema abhi aage badhte jaye, and we are always on the entertainment of the entertainment global map. Do you mean to say ki there is no competition here, Karan? There is no, you don't believe in competition between South and not at all. Hindi cinema. In fact, if you remember, ma'am, in 2000, many years ago, I presented Bahubali. In fact, yeah. I had that huge faith in the power of cinema.
there is no competition between the same industry. How can they be? We grow together. To compete would be completely not servicing the requirements of entertainment in the industry. We have to be one collective unit. And Rajamouli sir has said that many times. We should be one cinema. And in fact, the best crossover is the crossover that has happened recently, is when the South has done such expansive business in the North. That is crossover. Going to any festival, winning an Oscar does not matter to us. We want to grow as Indian cinema, and that has been proven time and again. In fact, when these things happen, I feel it unites the country even more. And that's the most important important purpose I think cinema can do. You know, it can unite the entire country together. So I think it's amazing. बस जिस तरह से करण जौहर ने ये बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मिक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।